नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ पल्लवी वर्मा। अगर अभी तक आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब बिहार में जल्दी आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के टीएम को आदेश जारी कर सभी जिलों में शिविर लगाने को कहा है। इसके तहत 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनाने के लिए 20 नवंबर से हर जिले में शिविर लगाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि 29 अक्टूबर से 17 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्ग लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी भी हो आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा सरकार ने की है। सरकार ने इसको लेकर 20 नवंबर से 12 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। जिलों के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि 29 अक्टूबर से 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि 29 अक्टूबर से 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो भी रहे सभी को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए 20 नवंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस अभियान को लेकर जिलावार कार्ड बनाने के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। कार्ड सभी जिलों में बनाया जाना है तो हर जगह कैंप भी लगाया जाएगा। वहीं राज्य के सभी जन वितरण दुकानों पर शिविर लगाया जाएगा। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन प्रखंड कार्यालय सभी प्रमुख पार्कों और मॉर्निंग वॉक के स्थलों पर कैंप लगाया जाएगा ताकि लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में ये घोषणा की है कि उन्होंने अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंगल पांडे ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत किया जा रहा है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड अब बिना शर्त बनाया जाएगा। बहरहाल जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्धारित लक्ष्य 31 लाख से लगभग 10 लाख लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। जिले के सभी पीडीएस दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, इस जिसकी मॉनिटरिंग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कर रहे हैं। वहीं बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष सरकारी और निबंधित निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की निशुल्क कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक निशुल्क इलाज की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के।